है यमुना मिशन, झूला नंबर लिखा हुआ है, कोई चुरा नहीं सकता है। और ये सामने अपना कंस किला, विश्राम घाट जाने के लिए भी यहाँ से सीधा, मतलब यहाँ से सीधा सीधा ही है सब कुछ, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ई रिक्शा पकड़ो जन्मभूमि से, यहाँ तक आओ कंस किला, फिर वहाँ पर उतरो, फिर वहाँ सीधा चलते रहो, कंस किला घूम लो, वो घूम लो और आगे घूम लो, दिखाते हैं, चिंता मत करो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पहले द्वारकाधीश। और क्या क्या घूमने के लिए? द्वारकाधीश हो गया, विश्राम घाट, अच्छा कृष्ण पत्नी जी की समाधि भी है, गोकुल गेट, अच्छा क्या क्या, सॉरी अच्छा अच्छा ओके ओके। यहाँ से बोट से उतरते ही यहाँ से आओगे तो यहाँ पर सामने ही द्वारकाधीश का मंदिर है, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मजा आ गया भाई, यहाँ पर जाम भाई, ट्रैफिक जाम बहुत गंदी वाली है, वही पूरे गली गली है ना, इसीलिए रिंग भाई अपना चार्ट काफी मस्त है। द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद यहाँ पे चार्ट खा के पूरा अभी आरती देखेंगे। अभी यहाँ पे आरती 7:30 के बाद होती है, जब मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है तब। बाकी यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, यहाँ पर आओ देखो। A few inches later, ठीक 7:31 में स्टार्ट हो गया है, जब द्वार बंद हो गए हैं मंदिरों के। पास में चल के दिखाते हैं आपको, धीरे धीरे यहाँ पर भी सारी बोट जमा हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आरती का मजा लेंगे हम। यहाँ पर आरती हो रही है, और सामने ही है अपना रेलवे ब्रिज, वहाँ से भी कितने सुंदर नज़ारे आरती होंगे उसके, देखते ही देखते कितना भीड़ हो गया। जैसी आरती खत्म हुआ वैसी सारी बोट अब यहाँ से हटने वाली है। ये देखो, ये है हमारा मथुरा, और ये यमुना पार करके ये आ गया अपना गोकुल, और अभी हम जा रहे हैं गोकुल गेट। यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर वाइट कलर का गेट है, यहाँ से वो गए थे पार करके। फाइनली भाई रूम में आते हुए यार थक चुके थे, बट कोई बात नहीं, तो भी जाज हो गया। अब तो मैं यही कहता कोई बात नहीं, अब जाएंगे डिनर करने। अब किधर करेंगे डिनर भाई, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं भाई, यहाँ पर कोई दुकान ही नहीं खुला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग खाना खा पाए भाई, डिनर कर पाए। इसी वजह से भाई जन्मभूमि के अंदर एक रेस्टोरेंट है, मंदिर का ही है वो रेस्टोरेंट, तो भाई उधर थाली मिलता है 100 का अनलिमिटेड, ऐसा मैं मुझे सुन नहीं पाया, तो वहीं पर चल के खाते हैं और बताते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। रात का कुछ नज़ारा कुछ ऐसा ही दिखता है, एकदम मस्त है, बाहर निकलोगे तभी पता चलेगा कितना कुछ है खाने के लिए।
बाकी भाई देखो इतना भीड़ होता है, 100 रुपये का एक थाली, और मैंने मेन्यू में बता दिया क्या क्या है, बाकी खाते और टेस्ट देखते कैसा है ना। कुछ ऐसा दिखता है भाई, और रोटी में देखो भाई घी कैसे तैयार है, खाते और बताते कैसे भाई। इधर ही एक नंबर खाना था कसम से, आप इधर आओ खाओ। संस्था, हाँ संस्था ने खोल रखा है, मंदिर की तरफ से खाना मिलता है भाई, 100 रुपये का इतना मस्त थाली कसम से भाई, ऐसा थाली कहीं ना खाया होगा मैंने।